ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षादेशतायने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब भगवान जो है 16 श्लोक संख्या में बताएंगे, ये देह के बारे में बताएंगे, कह रहे हैं कि यह देह जो है यह शरीर है इसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि नास तो विद्ये भाव न भाव विद्यते सता उभय रहो दृष्ट्वा अनंतयो तत्वदर्शिनी। कह रहे हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्वों को जानते हैं, वो ये बताते हैं कि ना सतो यह सत्य नहीं है, न भाव न विद्यते। कह रहे हैं कि यह जो भौतिक जो शरीर है यह क्या है, चिर अस्थाई नहीं है, इसके लिए यह क्या है, असत्य है, ना सतो सत्य नहीं है। किंतु जो सत्य है, जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, और क्या है, आत्मा, इन दोनों में अध्ययन करने के बाद यह मालूम पड़ता है कि हमको तत्व की दर्शनी, तत्वदर्शनी लोग जो बताते हैं कि यह शरीर क्या है, हमेशा चिर अस्थाई रहने वाला नहीं है, यह परिवर्तनशील है। बता रहे हैं कि जैसे ये शरीर में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, चार परिवर्तन होते हैं। नास तो में शरीर की उत्पत्ति के पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी यह शरीर नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी जो रह रहा है उसमें क्या क्षण प्रतिक्षण क्या होता है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। अर्थात ये जो शरीर है, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में हमेशा ही एक भाव से नहीं रहता है, भाव रूप से नहीं रह पाता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, असत्य है। इसी तरह से संसार का भी भाव यही है कि यह असत्य है, क्योंकि वह हमेशा परिवर्तनशील है। कह रहे हैं यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसीलिए परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है, कि संसार पहले का भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा, यह वर्तमान में भी अभाव हो रहा है, यह शरीर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। करेंगे संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है, लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है। कर दें लकड़ी जली कोयला भई, कोयला जली भई राख, मैं अभागी ऐसी जली कोयला भई ना रात। कह रहे कि अगर लकड़ी जलती भी है तो जलने के बाद क्या होता है, कोयला या राख बचा रहता है, लेकिन इस शरीर का यह क्या होता है, यह समाप्त हो जाता है, सत्ता समाप्त हो जाता है, इसके लिए असत्य को बोलते हैं। ना भाव विद्यते सता, जो सत्य वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, यानी ये शरीर के नष्ट होने पर भी देही आत्मा जो है हमेशा बरकरार रहता है, बना रहता है। करें कि शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह ज्यों का त्यों हमेशा बना रहता है, यह न तो संसार से उत्पन्न होता है न तो संसार में यह विलयन होता है। इसके लिए बताते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि ये आत्मा के बारे में हमको सोचना चाहिए, क्योंकि वह परम सत्य है, क्योंकि वह परिवर्तनशील नहीं है। कह रहे हैं कि एक यह जो संसार है वह प्रति क्षण परिवर्तनशील है, एक क्षण में दूसरी जाती है, दूसरे क्षण में दूसरा होता है, लेकिन मशीन पर बता रहे हैं कि यह शरीर जो है इंद्रियां, मन बुद्धि और के कारण से यह संसार को हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, ये कर्ण भी संसार के ही हैं, क्योंकि अगर इस संसार में हमको रहना है तो दुख और सुख दोनों का अनुभव करना है। तुलसीदास लिखे हैं कि शगुन खीर और गुण जल उताता
पंच तत्व मिलई पर पंच विधाता। विधाता ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो गुण और अवगुण को दोनों को मिलाकर के बनाया, बताया, बता रहे हैं कि इस अज्ञान को जानने के लिए इस शरीर में और आत्मा में अंतर को इसमें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हर लोग बताते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि इस अज्ञान का उपदेश देते हैं, यहां से अज्ञान को नष्ट करते हैं, अर्जुन के मुंह को उपदेश करते हैं, यहीं से बता रहे हैं कि अज्ञान हटाने के लिए आराधक और आराध्य को के बीच पुनः संबंध स्थापित होना चाहिए, कि गुरु और शिष्य में क्या होना चाहिए, संबंध स्थापित होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा था परमात्मा में अंतर अंश पूर्ण रूप से अंतर रूप है। वेदांत सूत्र में श्रीमद् भागवतम में ये बताते हैं कि बताया गया है कि यह जो शरीर है परा और अपरा दो शक्ति के बारे में बताते हैं, और जीव का जो संबंध है पराशक्ति से है। जैसा कि सातवां अध्याय में हम लोग जब जाएंगे तो उसमें भाव हम लोगों का स्पष्ट हो जाएगा। बता रहे हैं जैसे शक्ति और शक्तिमान में क्या अंतर होता है, बिजली का बल्ब और पावर हाउस में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताएंगे। करेंगे जिस तरह से जीव जो है सारे भगवान के परमेश्वर के सदैव अधीन में रहते हैं। भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। जितने भी जीव हैं वो तटस्था शक्ति में है। कह रहे हैं कि यह जो भगवान के सेवक के रूप में और शिष्य गुरु, शिष्य जो रहता है गुरु के अधीन में रहता है, तब उसका ज्ञान जो है वह दूर होता है। और ज्ञानता क्या होता है, नष्ट होता है। ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए हमेशा क्या हमको क्या करना चाहिए, हमेशा भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों का हमको श्रवण करना चाहिए। क्योंकि यह जो देह है बता रहे हैं कि ना सतो, क्योंकि यह जो शरीर क्या है सत्य नहीं है। तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी धीर पुरुष होते हैं। जो तत्वदर्शी शब्द जो है वह महान पंडित धीर व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, वो इसके लिए शोक नहीं करते हैं। क्योंकि ये सत्य क्या है, आत्मा है। क्योंकि आत्मा बताएंगे आगे कि सत्ता के सिवाय प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकार अथवा असत तथा परिवर्तनशील है। सत असत दोनों का तत्व देखा है, अर्थात जिनके सत्ता मात्र में अपनी स्वतः स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि अशक्ति की निद्रा में है। ना सतो विदते भावो न भावो विदते सता, इसमें कितने अच्छा है, ना सतो विदते भावो ना भावो विदते सता, इसमें 16 अक्षर है। 16 अक्षर वेद पुराणों शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। अशत और शत इन दोनों ही प्राकृतिक और पुरुष, क्षर और अक्षर शरीर और शरीरी, नित्य और नित्य, नाशवान और अविनाशी आदि के नामों से जाना गया है। देखने सुनने समझने चिंतन करने निश्चय करने आदि में जो कुछ भी आता है वह शब्द क्या है, अशत है। भगवान ने ज्ञान के बारे में बताए थे, जब 13 अध्याय हम लोग चलेंगे उसमें बहुत बढ़िया से भगवान ने सारे चीज के शरीर के बारे में बता रहे हैं। करेंगे जिनके द्वारा हम देखते या सुनते हैं चिंतन आदि करते हैं वह भी अशत है और देखने वाला भी अशत है। कह रहे हैं कि भूषताय नास्ते विद्यते भावा, असता भावा विद्यते, अशत क्या है यह शरीर क्या है, असत्य है, क्योंकि इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। नाश तो विद्यते सदा सत्य अभाव न विद्यते, जहां सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है वह सत्य का भाव भी विद्यमान है, क्योंकि कभी कभी अभाव परिवर्तन होता ही नहीं।
जिसका अभाव हो जाए उसको सत्य कहते ही नहीं। जहां अभाव होता है उसको क्या कहते हैं? सत्य नहीं कहते, वह असत्य है। जैसे आत्मा क्या है? आत्मा का अभाव नहीं होता है, इसके लिए उसको हम सत्य कहते हैं। और शरीर को असत्य कहते हैं क्योंकि इसमें अभाव होता है। कह रहे हैं कि किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया घटना परिस्थिति अवस्था आदि में सत का अभाव नहीं होता कि देश काल वस्तु आदि का तो असत पर सत तथा सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। कभी किंचित मात्र से भी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आता है, सत सदा ही भाव है। परम तत्व को कितना भी अस्वीकार कर दिया जाए, उसकी कितना भी अपेक्षा क्यों न करें, उससे कितना भी विमुख हो जाए किंतु कितना भी तिरस्कार करें, उसका कितना भी युक्तियां खंडन करें, वास्तव में उसका अभाव है ही नहीं। सत का अभाव होना संभव ही नहीं। सत का अभाव कभी कोई नहीं कर सकता। न गीता के दूसरा अध्याय में बता रहे थे उभय रपि दृष्टो, उभय रपि दृष्टो, तत्वदर्शी महान पुरुषों द्वारा सत्य तत्व को उत्पन्न नहीं किया जाता, वह अनुभव किया जाता है। सत्य क्या होता है? उसको उत्पन्न नहीं किया जाता। जैसे शरीर को जब उत्पन्न होता है तो उसमें शरीर उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो उसका जो उत्पन्न होता है, जिसका जन्म होता है, उसी की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा को उत्पन्न नहीं किया जाता। यही भाव है। कह रहे हैं कि दोनों तत्वों को जानने वाले जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष सत्य और तत्व को देखते हैं, अर्थात स्वाभाविक एक हैं, काही अनुभव करते हैं। असत्य का तत्व सत्य भी है, सत्य का अभाव भी सत्य है। ऐसा जान लेने पर महापुरुषों की दृष्टि उस तत्व के सिवाय और किसी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। उभय रपि दृष्टो अनंतयो तत्व दर्श भी, उभय रपि मैंने जो विवेकी है, जो दोनों बातों को जानते हैं, अंत तत्व को जानते हैं, माने आत्मा को जानते हैं और शरीर को भी जानते हैं। कह रहे हैं कि इसे विवेकी जो तत्व ज्ञान में परिणित हो गया है, वो सत्ता मात्र ही शेष रही गई है, एक सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान हमारे की सर्वोपरि बात है। संसार में भाव और अभाव दोनों दिखते हैं, हुए भी परमात्मा भाव है और अभाव दोनों दिखते हैं। भाव मुख्य रहता है संसार में, अभाव के अंतर्गत भाव अभाव है और परमात्मा में भाव के अंतर्गत अभाव है। प्रत्येक शब्दों में संसार के नित्य वियोग के अंतर्गत वियोग, परमात्मा में नित्य के अंतर्गत वियोग के मिलन विरह और संसार के अभाव ही रहा और परमात्मा का ही भाव रहा है। इसमें शिल प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में बताते हैं और कह रहे हैं कि विष्णु पुराण में ही बता देते हैं कि ज्योतिर्षि विष्णु भूर नाम विष्णु, यानी सत्य तथा असत शब्द जो है आत्मा और भौतिक पदार्थ के ही द्योतक है। आत्मा और इस शरीर के बारे में यह बता रहे हैं और बता रहे हैं कि शरीर जो है उसमें परिवर्तन होते हैं, इसके लिए इसमें अभाव रहते हैं। शरीर और मन में जो निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा हमेशा अस्थायी रहता है, यही तत्वदर्शियों का